व बरकातहू नादरीन में आपका इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम पाँच मिनट के मदरसे में हमारा आज का पहला मौजू है कुरान अल्ल तरमाया वल खल बई ना फी समा में लोगों यकीनन हमने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके दरमियान में हैं उन सब को सिर्फ छः दिन में पैदा किया और हमें थकान ने छुआ तक नहीं इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो चीज़ें हमारे सामने बयान की एक तो ये कि अल्लाह ताला ने ज़मीनों और आसमानों को और जो कुछ भी इनके दरमियान है इनको अल्लाह ताला ने ते दिनों में पैदा किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन को थकान नहीं आती जैसे हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला तमाम जो बुरी आदतें बुरी खसलतें हैं उन तमाम से अल्लाह ताला मुन्जा है पाक है जैसे अल्लाह को नींद नहीं आती अल्लाह को ओंग नहीं आती ओंग तक नहीं आती अल्लाह ताला को उसी तरह से अल्लाह रबालमीन को थकान तक नहीं आती बाज़ लोगों ने यह हवा बना दिया ना बाज कौमों ने कि अल्लाह ताला जो है काम कर, कर कर के थक गया तो उसने सैटरडे संडे आराम किया जिसकी वजह से लोग आराम करते हैं हाँ अब इसको आप चाहे सही बात कह लो उनके अतबार से या आप इसको उनके अतबार से अफवाह भी कह लो जो भी है लेकिन अल्लाह रब्बुलमी वो ज़ात है जिसको जर्रा बराबर भी थकान नहीं होती इसमें इसी आयत के पीछे अल्लाह रब्लमीन ने गुज्त अ के वाक़ात को बयान किया और ये बताया कि जो लोग नसीहत हासिल करेंगे वो अक्लमंद है हाँ और जिसने नसीहत हासिल नहीं करी और गुज्त के वाक़ात को देख करके अपने कुफर पर तोबा नहीं करी तो ऐसे ही लोग बेवकूफ़ है तो अल्लाह रबुलमीन की ये सिफत है कि अल्लाह तला को कभी थकान नहीं आती हमारा रब बहुत बहुत बहुत, बहुत ज़्यादा बुलंद है निन चलते है हमारे आज के दूसरे मौजूद की तरफ हमारा आज का दूसरा मौजूद है सुन्नत सुन्नत में आज हम बात करेंगे जब जुमा के लिए तैयार हो करके मुकम्मल मस्जिद की तरफ पैदल चल करके जब बंदा मस्जिद को आ जाए और जब वो मस्जिद पहुंचे तो मस्जिद में वो बैठे नहीं यहां तक के वो दो रक़त नमाज अदा कर लेकिन हजरत जाबि बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तवीदी से बयान फरमाते अल्लाह के नबी सलम जुम्मे का खुदबा दे रहे थे एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ और वो बैठने लगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या फूलान शख्स क्या तूने नमाज पढ़ ली है उसने कहा अल्लाह के नबी मैंने नमाज नहीं पढ़ी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उठ और दो रकात नमाज पढ़ ले खड़े हो और दो रकात नमाज पढ़ ले इस हदीस से मालूम होता है कि जब कभी हम जुमा के लिए मस्जिद जाए पहले तो कोशिश ये करें कि अव्वल वक्त में जाए ताकि उसका जो सबसे बड़ा सवाब है ऊंट हाँ, की कुर्बानी का वो हम हासिल कर सके अगर कम से कम अगर लेट हो रहा है तो खुदबे से पहले पहुंचने की कोशिश करें अगर खुतबा शुरू हो जाता है इमाम मेंबर पर चढ़ जाता है खुदबा देने के लिए अजान हो जाती है या हो रही होती है तो हम मस्जिद में दाखिल हो तो हमारा काम यह है कि फौरन हम दो रकात नमाज पहले पढ़ें उसके बाद बैठे हमारे आम दूसरी मस्जिदों में मामला यह है बाज मस्जिदों में कि लोग आकर के फौरन बैठ जाते हैं फिर इमाम जब खुतबा खत्म करता है पहला खुतबा मेम्बर पर से उतरता है तो वो कहता है कि दो रकात नमाज जो लोगों ने नहीं पढ़ी है वो पढ़ लो फिर लोग दो रकात नमाज पढ़ते हैं और फिर वापस बैठ जाते हैं फिर दूसरा खुतबा होता है ये बिल्कुल गलत तरीका है ये खिलाफ सुन्नत तरीका है क्योंकि सुन्नत तरीका इस हदीस से हमें पता चलता है कि अगर इमाम मेम्बर पर भी खड़ा हो अल्लाह के नबी मेम्बर पर खड़े थे साहबी दाखिल हुए अल्लाह के नबी ने कहा कि क्या तुमने नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो आप मेंबर पर खड़े होकर आपने कहा लिहाजा इमाम अगर मेम्बर पर है तो आने वालों को बैठना नहीं है तहियतुल मस्जिद का मतलब ही यह है ना कि जब आदमी मस्जिद जाए बैठने का लेटने का या कुछ भी करने का इरादा हो मस्जिद में रुकने का इरादा हो तो वह आदमी दो रकात नमाज पढ़ लें वो आदमी दो रकात नमाज पढ़े उसके बाद बैठे लेटे कुरान की तिलावत करें बैठ करके जो उसको करना है वो करें तो तहियतुल मस्जिद का मतलब ही है लेकिन अगर आप पहले आकर के बैठ जाए फिर आप दरमियान में आप उठ करके नमाज पढ़े तो तहियतुल मस्जिद का जो है मकसद ही फौत हो जाएगा लिहाजा याद रखिए सुन्नत तरीका यह है इंतजार ना करें कि इमाम साहब टाइम देंगे और बोलेंगे दो रकात नमाज पढ़ लो तो हम पढ़ेंगे नहीं आप जैसे ही मस्जिद में आए इमाम खुतबा दे भी रहा हो तब भी आपको दो रकात नमाज अदा करनी है तहियतुल मस्जिद पढ़नी है नादिन चलते हैं हमारे आज के तीसरे मौजू की तरफ हमारा तीसरा मौजू है असमाय हसना असमाय हसना में आज हम बात करेंगे अल्लाह के एक नाम अल मुक्तदिर के बारे में अल मुक्तदिर का माना है मुकम्मल कुदरत रखने वाला जिसकी कुदरत से कोई चीज बाहर ना हो हर काम में अपनी कुदरत व ताकत दिखाने वाला जो काम नहीं करता तो बेबसी की वजह से नहीं करता ऐसा नहीं है बल्कि वो चाहे तो कर सकता है लेकिन अल्लाह ताला नहीं करना चाहता इसीलिए नहीं करता और ये नाम कुरान मजीद में चार मकाम पर आया है जिसमें से एक जगह पर अल्लाह तहा वकानदी अल्लाह हर चीज पर कामिल मुकम्मल कुदरत रखने वाला है अल्लाह ताला दिर मुतल है उसने फिराउन फिरعون और फिराउनियों को उसकी सख्त गिरफ्त से उससे दुनिया की कोई ताकत उन्हें न बचा सकी अल्लाह रबालमीन ने उन्हें बचाया वो अल्लाह रबालमीन मुक्तर है वो मत्तकीन को जन्नत अतः फरमाएगा जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी अल्लाहतना फी जन्नातीद मली की मकतदिर बेशक परहेजगार लोग बागों और नहरों में होंगे सिद को सफा की मजलिस में कुदरत रखने वाले बादशाह के पास यानी अल्लाह ताला मुक्तदिर है और वो अपनी कुदरत अपनी ताकत से मुतकीन को जन्नत अता फरमाएंगे उनको जन्नत में दाखिल करेंगे ऐसी जन्नत में जिसके नीचे से नहरें जारी होंगी तो याद रखिए मेरा और आपका ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह के नामों में से एक नाम अल मुक्तदिर है जिसका माना यह है कि अल्लाह ताला मुकम्मल तौर से कुदरत रखने वाला है कोई चीज कोई उसकी कुदरत से बाहर नहीं है नादिन ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी आप लोगों से गुजारिश है आप हमारे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मुझे दीजिए इजाजत इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कुछ और बातों के साथ तब तक के लिए दीजिए इजाजत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू दीन की बात आम करने में आई प्लस की मदद करें पेटीएम या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें